मैं हूं रोमा अरोरा और मैं लेकर आई हूं फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू फॉर द फिल्म मॉन्क। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। अ टिपिकल रेप एंड रिवेंज मिस्ट्री जिसे डायरेक्ट किया है रवि उदयावर ने। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में यानी कि इंटरवल से पहले इस फिल्म का स्टोरी लाइन आपको पिंक फिल्म से मिलता जुलता लगेगा। ये कहानी काफी हद तक प्रिडिक्टिव है। वही दिल्ली की स्टोरी, 18 साल की लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती है, लड़के के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, किडनैपिंग, गैंग रेप और कोर्ट में चारों लड़के बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। मॉम कहानी है एक ऐसी माँ की संघर्ष की जो कि अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती है। कैसे, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं स्टारकास्ट की। इंग्लिश विंग्लिश के बाद श्रीदेवी वापस आ रही हैं अपने इंटेंस और हाईली इमोशनल परफॉर्मेंस के साथ। उनकी परफॉर्मेंस बहुत कन्विंसिंग है। बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। यस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन तो है ही, और एक खास बात है कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इस फिल्म में वही एक कॉमिक फैक्टर लेकर आते हैं। उनके लुक्स बहुत अनकन्वेंशनल हैं और उनकी एक्टिंग तो बेहतरीन है ही। और बात करते हैं अक्षय खन्ना की। वो इस फिल्म में एक CBI ऑफिसर प्ले कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग काफ़ी हद तक जस्टिफाइंग है। फिल्म काफ़ी हद तक प्रिडिक्टिव है, बट इट्स अ वन टाइम वॉच फॉर श्योर। मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगी।